हाँ बोलिए बोलिए। तो ये जो किताब है और हु मूड माई चीज, और जिसका आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया, तो मुझे ये दिख रहा है कि समझ बहुत में आ रही सारे बात आपकी? लोग हैं जो अपने पुराने धंधे को छोड़ नहीं रहे। बहुत सारे अपने पार्टिसिपेंट्स भी हैं, उनको मालूम है कि ये धंधा आउटडेट हो गया है, अभी अभी चलने वाला नहीं है, लोग ऑनलाइन का जमाना आ गया है, अभी लोग ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट चलने वाला नहीं है, आउटडेट हो गया है, लेकिन वो अटके हुए पड़े हुए, और उनको लगता है नहीं, ये अभी तक इतने साल से मैंने इसके भरोसे दिए, अभी मैं नया क्या करूंगा, नया मेरे को जमता नहीं, मैं जम कर नहीं सकता, और वहां बैठे हुए रहते हैं, वो हीम की तरह बैठे हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि एक दिन धंधा चालू हो जाएगा, एक दिन जो है कुछ ना कुछ मार्केट में जो है वो करंट आ जाएगा, और एक दिन जो है ना मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा, और रोज दुकान खोल रहे, बैठ रहे और घर पे चले जा रहे। लेकिन जो लोग भी ऐसे जॉब में अटके हुए, कई लोग ऐसे, 20 साल से, कल एक पार्टिसिपेंट के साथ बात कर रहा था, 20 साल से एक ही जॉब में अटकी हुई है, बॉम्बे में है, और उसको पूछा कि भाई क्या, तो नहीं, बोले मैं हिम्मत नहीं होती है, डर लग रहा है, नए जॉब जाऊंगी तो कैसा करूंगी, कैसा नहीं करूंगी। तो कब जो है उनको पता ही नहीं चला कि उनकी चीज किसने हटा दिया, और ऐसा हर किसी के साथ में हो सकता है। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि हमेशा जो है मेक श्योर करना है कि अपने आप को अपग्रेड करते रहे, और अपने नए चीज की तैयारी रखे, नए बिजनेस की तैयारी रखे, अपने शूज और अपना जो है वो ट्रैक सूट पहन के रेडी रहे, और तैयारी में रहे कि कैसे हम नए बिजनेस कर सकते हैं, नई जगह पे जा सकते हैं, नया नई जॉब कर सकते हैं, नए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, अपने आप को नए लेवल पे लेके जा सकते यस हैं। थैंक यू वेरी मच सर, मनीष बहुत यादव। जबरदस्त। हाँ मनीष, या मनीष यादव ने लिखा है, मनीष यादव ने यूट्यूब के ऊपर कमेंट डाली हुई है कि ट्राई न्यू थिंग्स एंड मूव अहेड। फिर मनीष यादव ने लिखा है और डोंट होल्ड स्टिक ओल्ड वंस एक्सप्लोर ना एक्सप्लोर न्यू वर्ल्ड, ऐसा लिखा है उन्होंने कि भाई नई नए नई वस्तुओं जो है नई वस्तुओं को पकड़ो, नया धंधा देखो, अपने को पुराने इसको पकड़ के मत रखो। यदि पुराना जो चीज है वो आपको, यदि उसका पूरा जूस निकल गया है, देखो पुराना जूस निकल गया है, पुराने से आपको कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, आप उसको पकड़ के बैठेंगे तो ये पागलपन है। ठीक है ना, इसमें मैं रिलेशनशिप बात नहीं कर रहा हूँ, रिलेशनशिप की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। आप ये धंधे में देखो, ज्यादातर आपके बिजनेस में देखो, है ना, जो भी चीज आपको अटका के रखी है वहां देखो। पुराने विश्वास आपको नई चीज के तरफ नहीं ले जा सकते। पुराना विश्वास क्या है? पुराना विश्वास है कि नहीं 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 ये बिजनेस ने, ये लोगों ने मेरे को पहले रिजल्ट दिए थे, अभी भी मुझे ये रिजल्ट देंगे ही देंगे, ये मेरा पुराना विश्वास है, हम अकड़ के बैठ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होते रहते, है ना। पुराना विश्वास जो है वो पुराना है, नया 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 देखना पड़ेगा। देखो रोज नया मोबाइल आ रहा है। कोडैक फिल्म जो थी, राज कर रही थी, राज कोडैक फिल्म, अपनी फोटोग्राफी की फिल्म जो थी, किसी के कैमरे में देखो कोडैक की फिल्म थी, आज दिखती है। कोडैक ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, चेंज नहीं किया, अभी डिजिटल कैमरा आ गया, कोडैक फिल्म कंपनी की कंपनी डूब गई। नहीं क्या, जैसा मैंने बताया दूरदर्शन का, टीवी का, दूरदर्शन हमारे मराठी में बोलते हैं, दूरदर्शन में आमची माती आमची माणसं, आमची माती आमची माणसं, ये कार्यक्रम चलता था, इतना पॉपुलर था, और दूरदर्शन को लग रहा था कि हमको कोई हरा नहीं सकता, कोई आएगा नहीं, हम तो बस बॉस है बॉस। आज कितने चैनल हो गए दूरदर्शन कोई देखता भी नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, बदला नहीं। एम्बेसडर फियाट ने अपने आप को बदला नहीं, अभी गाड़ियां दिखती भी नहीं हो, नहीं 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 रोज गाड़ी आ रही है। तो हमको बदलना ही पड़ेगा, हमारा विश्वास बदलना पड़ेगा, हमारा देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। रोज फास्ट चीजें बदल रही है, फास्ट हो रही है, चीज गायब नहीं हुआ, एक दिन में चीज गायब हुआ क्या? वो धीरे धीरे पहले से कम हो रहा था, मगर उन्होंने देखा नहीं। स्निफेंट्स करी जो थे उनको मालूम था, इसलिए जैसा वो एक दिन चीज दिखा नहीं, तुरंत उन्होंने अपने शूज निकाले, तुरंत जॉगिंग सूट निकाला, तुरंत वो ढूंढने के लिए चले गए। हेम और हॉ जो थे, आदमी आलसी है, आदमी मूलतः आलसी है, उसने क्या किया, कभी देखा ही नहीं उसको, लगा तो हम देखो जिंदगी भर पूरेगा चीज, करना क्या है, कहीं जाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, मस्त, और फिर फटका बैठ गया।